dollars. Blow minds full time like a Rhodes Scholar. Suit up armor like I'm all. Good morning, Yellaru. Nan Chetan, CR Hobbies, another channel ide. CR Hobbies channel. So, nan iga idene Belagavalli. ಬೆಳಗಾವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟೇಜ್ ಇದೆ ರೂಮ್ ಇದೆ ಅದು ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ಓಕೆ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾರಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಹಾಬೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆ ಆರ್ 25th ಹೆ मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ रात को ही बेलगांव में फोन देख सकते हो ये बेलगांव का है अपोजिट से वो सनरेज आ रहा है उसकी वजह से आपको क्लियर दिखता नहीं होगा पर मैं फोटेज दिखा दूँगा आपको बहुत ही बढ़िया है तो मैं हाईवे के ये साइड में हूँ मुझे अभी वो साइड में जाना है मैं थोड़ी देर के बाद चला जाऊँगा अभी जस्ट उठा हूँ मैं आपको इंट्रो दिखाने के लिए कि ये है बेलगांव बेलगांव का हाईवे बहुत ही बड़ा नेशनल हाईवे है ये बेलगांव का कर्नाटक जाते हो केरला जाते हो तो आपको यही रास्ता लगेगा टूवर्ड्स बेलगांव बेलगांव धारवाड़ वैसे मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट का संसद भवन है कर्नाटक का तो मैं लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो वाव कहलाने के लायक है क्योंकि मैं ये सब है ना वीडियोस में देखता था बाकी लोग के जो बाकी लोग जो राइडर थे या ब्लॉगर थे उनके वीडियोस में देखता था पर सपने हकीकत में सच्ची होते हैं जब अपने वो उम्मीदें कायम रहती है तो आज मैं आप जब भी आओगे ना यहाँ पे एक फ़ोटो तो खींचवा लो जैसे कैसे तो बहुत ही बढ़िया व्यू है और हम लोग अभी रात को ये होटल में रुके थे ये होटल का एवरेज है ज़्यादा कुछ हाईफाई नहीं है 1000 रुपीज़ लिया हमने इसको यस्ट किया ये आप सोचना चाहते हो रहता हो ये होटल है ना डायरेक्टली संसद भवन के ऑपोजिट में है तो उसका एक व्यू भी अच्छा आएगा अच्छा दिखेगा अभी और नीचे ये पूरा फार्म है खेत है अभी आगे का जो भी होगा मोटर ब्लॉकिंग होगा आई थिंक सो मेरे माइक में वापस कुछ इश्यूज़ आ गए प्रॉपर आवाज़ कैप्चर नहीं कर पा रहे या इधर विंड ब्लो ज़्यादा है तो नो इशू मेहनत करते रहेंगे धीरे धीरे कोई नया गैजेट भी आता रहेगा आप लोग शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये मेरे इनिशियल को मेहनत को तो लास्ट तक वीडियो देखिए बाय किवे एसआर 125 तो आप देख सकते हो बाइक को तो इसको ये हंगेरिया का है बाइक ये हंगेरिया मैन्युफैक्चरिंग है और इस गाड़ी में ना बहुत बड़ा इशू आया है भाई को तो भाई अपना कुछ बताएंगे बाइक के ऊपर मेरा नाम है डुंडप्पा सोनूर है ओके मैं बेसिकली मैं वर्क करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बट मैं सोच के पैसा जमा करके वो बाइक लिया मैं ओके बट उधर ये वो मेरा तो हिसाब से वो इंडियन बाइक नहीं हो तो हंगेरियन का इसी से अच्छा हाँ नहीं आ रहा ऐसा सोच के मैं गाड़ी बाइक किया लगभग वो 6 महीने हो गया मेजर क्या ज़्यादा हीट होता है हाँ। ये सेंसर का प्रॉब्लम है फ्यूल इंजेक्ट नहीं करता वो नहीं करता वो मालूम नहीं था मेरी बहुत इशू हो रहा है ये तो मेरा सेकंड सर्विस का इशू है मेरा बाइक है तो मैसूर पे बट हुबली से वो मिलता है ऐसा सोच के मैं दिया बट हुबली से भी नहीं मिल रहा वो निकाल लिया स्टेशन मेजर प्रॉब्लम है अभी तो कल भी बंद हो गया गाड़ी अभी तक उधर रहेगा उधर ही हो गया तो ये दोस्तों ये मेरा सब्सक्राइबर जो है बता रहा है इसने नया गाड़ी लिया ये गाड़ी है हंगेरियन के कंट्री का और इसका जो सर्विस सेंटर है मैसूर में है अभी मैं हूँ बेलगांव में तो बेलगांव में प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इनका गाड़ी का जो सेंसर है ना वो पूरी तरीके से सील हो गया है गाड़ी आगे ही नहीं जा रही है और उसके वजह पिकअप नहीं ले रहा है लिखो कहाँ पर है ये इसका सर्विस सेंटर और जब भी ऐसे इंडियन बाइक्स बाहर से कोई इंपोर्ट होते हैं ना तो पहला है ना उसका रिव्यू देख लो पहला रिव्यू देख लो वो कंडीशन देख लो पैसे के ऊपर मत जाओ 1.5 लाख की भी आती है 2 लाख की भी 3.5 लाख की भी आएगी पर ये जो ब्रांड है वो किसका ब्रांड है बैनेली का सिस्टर है
इसका भाई क्या ये मतलब को सिस्टर्स के जैसे शोरूम का डील करता है ना, इसलिए तो मैं सोच के वैसे बोल रहे बेनेली ने इसका डील किया हुआ इसलिए मैंने ये बाइक लिया। पर अभी तो भाई मेरे व्यूअर्स को यार बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसा आप लोग को भी नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ आप ये नोट करिए कि जब भी कोई ब्रांड इंडिया में आता है बाहर का, तो उसका है ना ट्रायल नोट पे है ना कम से कम 2-3 महीना है ना वॉच करिए कि कोई वीडियोस डाला है किसी ने, तो ही बाद में एक बार बड़ा ट्रायल लेने के बाद ही लीजिए। लोग में मिलते हैं, थैंक यू फॉर योर कमेंट सजेशन। इन केस मैं भी इस वजह से मेरा गाड़ी को सोल्यूशन मिलता है सर सोच के बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। सो हाय फ्रेंड्स, मैं अभी कित्तूर में हूँ और ये शॉप में हूँ ब्रेकफास्ट करने। जराज शॉप है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगा रहता है। हमारा ब्रेकफास्ट फटाफट आ रहा है। ये अन्ना का शॉप है और ये हमारे गाँव वाली ये फ्रेंड है। तो कभी भी आओगे ना यहाँ पे कित्तूर में, आपको यहाँ से डाइवर्जन है उड़पी जाने के लिए। अभी यहाँ पर जाके यल्लापुर लगेगा, तो यही घाट है और हम लोग यहाँ पर मज़ा ले रहे हैं। कौन और होटल दावरा होटल दावरा ओके उड़पी अलग है गजराज पैलेस। तो गजराज पैलेस के नाम से ये होटल के बाजू में ये रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ लगती है देखो। और हम लोग ने सब बाइक पार्किंग किया, अंकल बोलता है बाइक पार्किंग के लिए भी है। तो चलिए बढ़िया ब्रेकफास्ट है एकदम। यहाँ पे साउथ में आएंगे तो इडली वड़ा ही मिलेगा आपको, डोसा। ये लाइट नाश्ता है और ये अंकल जो खा रहे हैं वो भी पूरी भाजी, ये भी हमारे इधर साउथ का, ये भी बहुत अच्छा नाश्ता होता है सुबह का। तो चलिए हम लोग अभी नाश्ता कर लेते हैं और बाद में मिलते हैं डायरेक्ट वापस राइड में। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ
दिस इज चेतन सियार और इसमें आप लोग का वेलकम है। तो आज मैं हूँ उड़पी में। तो कल मैं आपको बता रहा था कि कल मैंने चालू किया था बेलगांव से स्टार्ट जर्नी, बेलगांव से लेके उड़पी तक हम लोग ने जितना हो सके उतना मैंने मोटर ब्लॉकिंग कर दिया, क्योंकि बाकी रोड कंडीशन तो सुपर थे। मेरे को जरा जल्दी ही पहुंचना था, पर भी हम लोग 7:30-8 बजे तक पहुंच गए और मैं ज़्यादा मोटर ब्लॉकिंग किया नहीं। फिर आके मैं डायरेक्टली सो गया। आज सुबह जैसे कि आप देख सकते हो ये कोकोनट ट्रीज देख रहे हो, ये सब अपने भाई के ही है, उसकी जगह ये आप देख सकते हो। सामने सुवर्णा नदी है, तो सामने दिखता है आपको। फ्रेश तो हो गया हूँ, चाय नाश्ता करता हूँ और बाद में आपको मिलता हूँ कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक यू।